अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पिछले एक साल से ज्यादा के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। कच्चे तेल की घटती कीमतों का असर क्या देश में बिक रहे पेट्रोल पर पड़ रहा है, देखिए रिपोर्ट। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार आ रही कमी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम पिछले एक साल से ज्यादा के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं। साल 2017 के अक्टूबर महीने में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $51 प्रति बैरल बिक रहा था, जो इस साल नवंबर के महीने में गिरकर उसी स्तर यानी $51 प्रति बैरल पर आ गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस नवंबर में पिछले चार साल के किसी एक महीने में तेल के दाम सबसे ज्यादा गिरे हैं, यानी करीब $25 प्रति बैरल की कमी आई है, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 1760 रुपये बनता है। पर क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरते कच्चे तेल के दाम का असर क्या देश में बिक रहे पेट्रोल के दाम पर पड़ रहा है? दिल्ली में पेट्रोल 75.25 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब क्रूड ऑयल इसी कीमत पर बिक रहा था तो पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 70.76 रुपये थी। यानी जिस तरह कच्चे तेल की कीमत में कमी आ रही है, उस तरीके से तेल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये स्थिति तब है जब तेल उत्पादक सप्लाई में कमी के लिए उत्पादन कम करने पर विचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सरप्लस ना हो, इसके लिए तेल निर्यातकों का संगठन ओपेक उत्पादन घटाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उजैर अली जाफरी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।